हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वाला प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, वो है ब्लीच। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी डेमो के साथ ही, ब्लीच कैसे लगाते हैं, प्लस इसका एक छोटा सा रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई एम श्योर जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना, वो आज का ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। हर कोई यूज़ कर सकता है, बट सेंसिटिव वाले जो स्किन वाले होते हैं थोड़ा सा डरते हैं ब्लीच को यूज़ करने के लिए। तो आज जो ब्लीच लाई ये सेंसिटिव स्किन वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। एंड वीडियो अगर पसंद आता है गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड छोटा सा एक लाइक तो बनता ही है ना आप सबके लिए मैं प्रोडक्ट की रिव्यू करती हूँ। तो ओके, चल फटाफट से पढ़ लेते हैं इस ब्लीच के बारे में। तो ये है ओलिविया हर्ब ब्लीच, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ ब्लीच होने वाला है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए और सभी के लिए। ओलिविया हर्ब ब्लीच विथ हल्दी, चंदन, एलोवेरा एंड नींबू। तो हम सभी को पता है ये सारे हमारे स्किन के लिए कितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो लिखा है वो मैं आप सबके लिए पढ़ देती हूँ। द फर्स्ट जेंटल ब्लीच फॉर सेंसिटिव स्किन, दिस हल्दी, चंदन, एलोवेरा एंड नींबू कॉम्बिनेशन मेक योर स्किन फेयरर एंड ब्यूटीफुल डे बाय डे। द अल्टीमेट हर्बल सॉल्यूशन टू द अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन योर स्किन, फेडेड अनवांटेड हेयर ऑन फेस, आर्म्स एंड बॉडी। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज एवरी 15 डेज। बट गाइज, मैं कहूँगी कि अगर आप फेस पे लगाते हो तो हर 15 दिन के बाद उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होगा किसी भी स्किन के लिए। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि मंथ में आप एक बार ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो मेरे पास इतना बड़ा है इसकी, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, 30 ग्राम का है ये और इसका प्राइस 80 रुपीज़ है। बट आई थिंक इसका गाइज एक 20 रुपीज़ वाला भी आता है एंड एक आता है 35 वाला भी, आई एम नॉट श्योर, बट 20 रुपीज़ वाला आता ही है। तो इसकी पैकेजिंग पे मत जाइए गाइस, क्योंकि मेरे बच्चों ने इस तरीके से इसकी हालत कर दी है। वो तो अच्छा हुआ खोल नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसे खोल भी नहीं पाता, ये थोड़ा टाइट होता है, बट हाँ इस तरीके से कर दिया है। तो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी, ग्रीन, मतलब जिस तरीके से इस पर लिखा हुआ है हर्ब ब्लीच, तो इसी तरीके से इसकी पैकेजिंग भी है। इसी का एक गोल्डन वाला भी आता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है गाइस। अगर मैं बात करूँ अपने फेस पे, तो मैं इसको 4 बार आराम से लगा लूँगी, क्योंकि मेरा जो फेस है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। बट जिनका थोड़ा सा मतलब वैसा स्किन है, आप मतलब वैसे भी इसको आप ना कोई भी लगाएगा तो 3 बार तो आराम से लगा लेगा, बट मैं तो इसको 4 से 5 बार भी लगा सकती हूँ, मेरे स्किन पे काफ़ी कम लगता है। और उसके बाद इस तरीके से आता है क्रीम, और उसके बाद ये रहा देख सकते हो एक्टिवेटेड पाउडर, तो इस पर दिखा रखा है। तो ये है हमारा एक्टिवेटर और ये है गाइस हमारा ब्लीच, ये है हमारा क्रीम और ये है एक्टिवेटर। उसके साथ इस तरीके से ये आया हुआ है और साथ गाइस एक स्लिप इसमें दिया हुआ है, तो ये स्लिप ज़रूर एक बार पढ़ ले आप। मैंने तो आपको बता दिया है, बट स्टिल आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, वो सारी इसमें हर एक लैंग्वेज में दे रखा है। हिंदी में चाहो, इंग्लिश में चाहे, जिस भी लैंग्वेज आपको बहुत ईजी लगता है वो आप पढ़ सकते हो आराम से। तो उसके बाद हम फटाफट से इसको देख लेते हैं कि लगाना कैसे है। इस तरीके का आपको मिलता है, आप इसमें एक मुझे लगता है कि ये इसमें स्पून स्पैचुला ऐसा नहीं दिया, वैसे स्पैचुला वाला भी आता है, बट इसमें आप डायरेक्ट इस तरीके से मिक्स करके लगा सकते हो। बट मैं इसमें प्लास्टिक का ही कंटेनर है इसमें लगाऊंगी, स्टील वाले में आप मत लगाना। तो चलिए फटाफट से अब हम लगाना देख लेते हैं इसको लगाना कैसे है। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा ही पाउडर डालना गाइस, इसको आप थोड़ा ही पाउडर डालना अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। और मैं तो काफ़ी बार लगा ली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन चाहिए अपने फेस पे हेयर का हेयर, तो मैं थोड़ा सा ले लूँगी यहाँ पर, मैं 1 टीस्पून ले लूँगी। ओके गाइस, तो मैं अभी 15 से 20 मिनट तक रहने दूंगी इसको। आप चाहो तो 10 मिनट में भी रिमूव कर सकते हो, बट मेरे स्किन पे फेशियल हेयर ज़्यादा है, तो मैं इसलिए इसको 15 से 20 मिनट तक रहने दूंगी, उसके बाद इसको मैं वॉश कर लूंगी। ओके गाइस, तो मैं रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। I will.
सो गाइस अब हमें फेस को वॉश कर लेना है, तो मैं जा रही हूँ फेस को अच्छे से वॉश करके तब आती हूँ, एंड देन हमें एलोवेरा जेल लगा। सो गाइस फेस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो ग्लो और काफ़ी हद तक टैनिंग हट चुकी है और फेशियल हेयर जो है वो भी थोड़ा गोल्डन हो चुका है, तो ऐसे और नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी लोग फेस सेव करते हैं तो वो शायद उनको उतनी ज़रूरत ना पड़े, बट जिन लोगों के फेशियल हेयर ज़्यादा है जो सेव नहीं करना चाहते हैं फेस को वो ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगा लूँगी यहाँ पर एलोवेरा जेल, तो मैं प्लम का ले रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो, तो मैं लगा लेती हूँ एक लेयर एलोवेरा जेल का एंड यू आर डन। ओके गाइस, तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्लो ऐसा लग रहा है मेरी स्किन पे आ गया है और सारी टैनिंग हट गई। गाइस मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, टैनिंग काफ़ी हद तक हट गई है। और आपको ना पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि जो भी इसका जलन हो वो निकल जाए। मैं फटाफट से एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। सो गाइज एक चीज आपको जरूर बताऊंगी कि ये आप प्रोसेस इवनिंग में ही करें या फिर अगर आफ्टरनून में या मॉर्निंग में करते तो इसको लगाने के बाद आप धूप में बिल्कुल भी मत जाना, बस हमें धूप से बचना है। सो गाइज देख सकते हो कितना अच्छा से टैनिंग हट गया है।